सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ाए जा रहे पाठ एक बूंद के आगे के अंश को पढ़ेंगे। एक बूंद कविता के विषय में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रेरणा दी है। पहले अनुच्छेद में हमने यही जाना था कि पानी की एक बूंद बादलों की गोद से निकलकर आगे बढ़ी ही थी कि वह मन ही मन सोचने लगी थी और घबराई हुई थी कि मैं घर से क्यों निकली और आगे चलकर मेरा क्या होगा, मैं जीवित रह पाऊंगी या नहीं। बच्चों, अब आप अपने पुस्तक में दिए गए दूसरे अनुच्छेद को देखिए। वह बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुख था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। कहने का यह अर्थ है कि उसी समय जब वो बह रही थी तो हवा चलने के कारण जो बूंद इच्छा न होते हुए भी समुद्र की ओर चली गई, वहाँ एक सुंदर सीप का मुंह खुला था, वह उस सीप में जा गिरी और एक अनमोल मोती बन गई। जब वह हवा के वेग में बह रही थी तो वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी, डरी हुई थी, आशा निराशा के झूले पर झूलती, विचारों में डूबी हुई थी कि अब उसे उसकी किस्मत किस ओर ले जाएगी। लेकिन हवा के वेग से वह बूंद एक सुंदर सीप के मुंह में जा पड़ी और वह अमूल्य मोती बन गई। आगे के अंश को देखिए। लोग यों ही झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। इन पंक्तियों के द्वारा कवि कह रहे हैं कि जब किसी को अपना घर छोड़कर विस्तृत संसार में, यानी कि इस बहुत बड़े संसार में जाने का अवसर मिलता है, तो वो उसी बूंद की तरह सोच विचार में पड़ जाते हैं कि हमारा क्या होगा, क्या हम इस दुनिया में आगे बढ़ पाएंगे। किंतु प्रायः घर छोड़ना उन्हें बूंद की तरह कुछ और ही अर्थात महान बना देता है। जब बूंद बादलों की गोद से निकली थी तो वह सामान्य सी एक पानी की बूंद थी, लेकिन वही पानी की बूंद आगे चलकर मोती बन गई, जो मोती दुनिया में बहुमूल्य मानी जाती है। इसी प्रकार अगर लोग भी तरह तरह के सोच विचारों को हटाकर आगे बढ़ना चाहें तो उन्हें भी महान बनने का मौका मिल सकता है। इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश मिलता है कि अगर अपनी उन्नति के लिए घर से दूर भी रहना पड़े तो झिझकना नहीं चाहिए और आने वाली मुसीबतों या विपत्तियों से नहीं घबराना चाहिए और हमें डटकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम अपने ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे। तो बच्चों, यह थी कविता एक बूंद। आप आज पढ़ाए गए अंश का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।